दोस्तों जब नोट 13 हमारे पास आया था तो मिक्स्ड फीलिंग से जब हमने उसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस किया तो, लेकिन अब नोट 13 प्रो प्लस आ गया एंड एग्जैक्टली अपोजिट फीलिंग है ऑन द पॉजिटिव साइड। ओह माय गॉड, व्हाट अ फोन दिस इज, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ है, बताने वाला ये वीडियो पूरा देखिए आपको पता चल जाएगा क्यों कह रहा हूं, बट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट दिस लुक्स लाइक अ विनर। वैसे ये चाइना से मंगाया हुआ है, चाइना में 12/256 GB वेरियंट जो है 1899 yuan का आता है, इसका मतलब कन्वर्ट करते तो 22,000, बट इंडिया में जब वो आ जाता है तो महंगा हो जाता है। It is going to be under 30,000, around 28,000 to 30,000 उस हिसाब से देखने वाले इस फोन के पास। Alright, white box, golden lettering। सबसे पहले quickly, अब ये Chinese variant है तो document, अच्छा ये तो है, ये दिखाएंगे case आपको। Okay, nice case। या 13 में भी ऐसी ही थी, सो इट्स नॉट अ क्लियर केस विच इज गुड, येलोइश वगैरह नहीं होगा। देन यू हैव सिम कार्ड टूल एंड देन यू हैव द फोन। 120 वॉट चार्जर है दोस्तों, 120 वॉट का चार्जर आता है, सो दैट इज गुड। एंड दिस इज व्हाट, यस दिस इज अ गैन चार्जर, 120 वॉट गैन चार्जर है एंड USB Type-A टू Type-C चार्जिंग केबल है। दैट्स अबाउट इट, लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड, फोन के पास देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार दोस्तों नोट सीरीज में कर्व्ड डिस्प्ले आ गया है, लुक एट दिस, इट्स अ कर्व्ड डिस्प्ले फोन। और पीछे वेट फॉर इट, लुक एट दिस, इसका फिनिश देखिए, दिस इज काइंड ऑफ वेगन लेदर, बट कलर्स देखिए, ब्रांडिंग देखिए, अलग तो दिखता है दोस्तों बट अच्छा भी बहुत दिखता है। एंड यू नो इट हैज मल्टीपल कलर्स हैं, नीचे की तरफ पेस्टल पर्पल है, देन पेस्टल ग्रीन है, देन पेस्टल ब्लू है, देन पेस्टल व्हाइट है। ओह माय गॉड, और एक बात का, वो जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उभर के आ रहा है वैसे ना, हाँ दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। इन हैंड फील एक्सलेंट, वैसे 5000 mAh की बैटरी है। वैसे वेट के बारे में बात करूं दोस्तों तो मुझे यू नो इट डज नॉट फील वेरी हैवी, बट 190-195 grams होना चाहिए, देखते हैं। 201.3 grams, इसका मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बट यस इट इज अबाउट 200 grams, उतना याद रखिए। और एक बात, पहली बार दोस्तों नोट सीरीज में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन आता है, फैंटास्टिक। गिरा के तो देखते ही है भाई, पीछे से तो कुछ नहीं होगा बट आगे से nothing, absolutely nothing. 1, 2, and 3. Oh my god, that sound every time. Quickly ports and buttons की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन USB टाइप सी, स्पीकर ग्रिल है नीचे की तरफ, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर है ऊपर की तरफ, बहुत ही बिजी लग रहा है दोस्तों। यस, आयर ब्लास्टर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, और एक ये प्रेशर रिलीज वाल्व है, पता नहीं किस लिए यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं क्विकली, लेट्स सी, ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, SD कार्ड स्लॉट नहीं है, बट वैसे भी बेस वेरियंट जो है 256 GB का है, सो दैट इज फाइन। वैसे 3.5 mm जैक इज मिसिंग, मिड रेंज फोन्स में भी अभी 3.5 mm जैक्स निकल रहे हैं दोस्तों, इनफैक्ट निकल गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोन बाहर से तो देख लिया, अंदर से देखते हैं। वैसे आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए विद दैट बेल आइकन। वाओ, लुक एट दैट डिस्प्ले दोस्तों, 6.68 इंच का 1.5K 120Hz AMOLED डिस्प्ले है ये, और जनरली आपको पता है मिड रेंज में 8 बिट या 10 बिट आते हैं, दिस इज अ 12 बिट पैनल एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR10+ भी है, PWM डिमिंग भी आती है इसके अंदर, इट इज नॉट FHD+, इट इज 1.5K resolution, really beautiful display. Even aspect ratio के बारे में बात करूं, you know side के bezels non-existent है, ऊपर की bezel पतली है, chin is also very very thin. Look at this display, impressive display मैं कहूंगा। और अगर brightness के बारे में बात करूं, 1800 nits brightness है, 1800 nits. Wow, definitely display flagship है. Specifications के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये आता है Dimensity 7200 Ultra इस processor के ऊपर। अब 7200 plus या दूसरे इसमें क्या difference? तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो ये सपोर्ट करता है एंड डेडिकेटेड APU है फॉर AI, तो AI की भी फीचर्स इसमें है दोस्तों। LPDDR5 RAM टाइप है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh की बैटरी आती है एंड 120 वॉट चार्जिंग है, सो स्पेसिफिकेशंस के मामले में यू नो डेफिनेटली प्रीमियम मिड रेंज में कहूंगा। अब मैं दोस्तों OS के बारे में नहीं बात करूंगा, बट डिस्कस ऑन MIUI 14 व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 13, लेकिन जैसे मैंने कहा दिस इज चाइनीज वेरिएंट, इंडिया में आने के बाद देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट 1 month इट इज गोइंग टू लॉन्च, बट एक्सिलेंट। अगेन कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, 5G वगैरह सब कुछ है दोस्तों, Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.3 है, NFC का भी सपोर्ट आता है, IR ब्लास्टर भी है, कनेक्टिविटी ऑल देयर। सेंसर्स के बारे में बात करूं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, एक्सिलेंट। IP68 का सर्टिफिकेशन आता है, अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी नोट में IP68 आया हुआ है, बट दिस वन
one has got IP68 certification as well. अगर अंतु version 10 के बारे में बात करूं तो 7,80,000 के करीब score आता है and previous version में 6,10,000 के करीब आता है. But performance is excellent. Medium to high settings पे आप आराम से gaming कर पाओगे. COD mobile 90 FPS पे खेल पाओगे medium to high settings पे and BGMI 60 FPS. हमने जितना भी खेला उसमें दोस्तों thermals were in check. Multimedia, oh! एक तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट है तो आप जब वीडियोस देखते हो तो हाई डायनेमिक रेंज दिखती है, बहुत ही अच्छे वीडियोस दिखते हैं, इमर्सिव है, डिस्प्ले इतना 1.5 के रेजोल्यूशन का है, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, डिस्प्ले क्वालिटी जो पैनल है दोस्तों हाई क्वालिटी का पैनल है, आई विल डेफिनेटली से दैट. इनफैक्ट इसे ड्यूई राइनलैंड का फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, सो दैट इज देयर. एंड ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं. ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस नेटफ्लिक्स वगैरह और HDR दिखता है आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, आउट ऑफ द पार्क, वंडरफुल. और एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, MIUI हैप्टिक्स, अगेन आई मीन हैप्टिक्स इज रियली इंप्रेस्ड मी, जो फीडबैक मिलता है आपको जबरदस्त है, सो हैप्टिक्स आर आल्सो वेरी वेरी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा. जी हां, बाकी सब चीजें बहुत अच्छी, हमने कहा कि भाई कैमरा कैसा है, कैमरा की जब फोटोज वगैरह निकाले वाओ. वैसे अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं, प्राइमरी सेंसर जो है वो 200 मेगापिक्सल का Samsung HP3 सेंसर आता है, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है, आगे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है. एंड हमने फोटोज निकाले में बहुत सारे, उसकी ओरिजिनल क्वालिटी में हमने सेव किए हुए, जी ड्राइव की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा. बट एक ही लाइन में दोस्तों, प्रोसेसिंग बहुत होता है एंड फोटोज कम आउट रियली वेल. आजकल के फोन्स में मैं यही देख रहा हूं कि ज्यादा प्रोसेसिंग करने लग गए हैं, उसकी वजह से जो एंड रिजल्ट आपको फोटोज का मिलता है बहुत अच्छा है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, बोका वगैरह जो आता है दोस्तों वो बहुत अच्छा है, नेटिव 200 मेगापिक्सल के फोटोज आप खींच सकते हो एंड 4x तक शायद लॉसलेस जूम है, बिकॉज 200 मेगापिक्सल है तो वो जूम करता है, तो लॉसलेस आपको 4x मिलता है, विच इज गुड. वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर 4K 30 FPS देता है, जो अल्ट्रा वाइड वीडियो निकाल रहे हो तो 1080p 30 FPS है एंड आगे आपको 1080p 60 FPS मिलता है. कैमरा के फीचर्स के मामले में बात करूं, सभी फीचर्स आते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, 200 MP नेटिव मोड, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, नाइट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, AI वाटरमार्क मोड, एवरीथिंग इज देयर. वाओ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, स्पेशली जब Redmi Note 13 हमारे पास आया था और उसके पास देख रहे थे एंड अभी मैं इसके पास देख रहा हूं, मेरी फीलिंग कंप्लीटली चेंज हो गई है. प्रोबेबली ये जो फोन होगा, ये दोस्तों मैं तो कहूंगा अराउंड 28-29,000 में आएगा, अराउंड 30,000 भी ये आता है, वाओ, इट विल बी फैंटास्टिक, आई एम टेलिंग यू, वेरी हैप्पी विद Redmi Note 13 Pro Plus फॉर श्योर. वेट कीजिएगा दोस्तों, इंडियन वेरियंट का अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, रिव्यू वगैरह करने वाले हैं, बट आई थिंक इट इज एक्साइटिंग टाइम्स with Redmi Note 13 Pro Plus. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.